लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जीरेंड। फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड प्लस जीरेंड क्या है और हमें स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करना है, तो आइए इस कंसेप्ट को समझें। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जीरेंड मीन्स टू बी प्लीज्ड आर एक्साइटेड। फ्रेंड्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जीरेंड का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो टू बी प्लीज्ड आर एक्साइटेड, हम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड। यानी लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग मीन्स टू बी प्लीज्ड आर एक्साइटेड दैट इट इज गोइंग टू हैपन। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा जब आप किसी चीज को लेकर या किसी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, यानी आप उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कंडीशन में हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जीरेंड। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स टू बी प्लीज आर एक्साइटेड, इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा प्लीज्ड हैं, एक्साइटेड हैं, या आप बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू इजिप्ट नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं अगले वीक इजिप्ट जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, या अगले वीक मैं इजिप्ट जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। यानी इंग्लिश सीखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लीज्ड हूँ या बेताब हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस जीरेंड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं या प्लीज्ड हैं। यानी अगर इस चीज को हिंदी या उर्दू में कहें, तो आप कह सकते हैं कि मैं किसी चीज को लेकर बहुत बेताब हूँ या उत्सुक हूँ। आइए लुक फॉरवर्ड का एक लास्ट यूज देखें। वी यूज लुक फॉरवर्ड टू एट द एंड ऑफ फॉर्मल लेटर एंड ईमेल्स टू से दैट वी होप टू हियर फ्रॉम समवन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। फ्रेंड्स, आमतौर पर आप किसी फॉर्मल लेटर या किसी ईमेल के लास्ट में लुक फॉरवर्ड का यूज देखे होंगे। हम यहाँ लुक फॉरवर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कहना होता है We hope to hear from someone or expect that something will happen. Friends, इस केस में हम present simple form का यूज करते हैं, यानी हम look forward लिखते हैं, न कि looking forward. Example के लिए I look forward to your reply. अब यहाँ इस sentence का meaning है कि मैं उम्मीद करता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि आपके तरफ से मुझे जवाब मिलेगा। I look forward to hearing from you soon. मैं उम्मीद करता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके तरफ से जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन पाऊंगा, यानी जल्द ही कुछ सुनने को मिलेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू इट, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ या मैं ऐसा आशा करता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी खोली और किसी ने आपसे कहा कि आपको लगता है कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, तो आप यहाँ कह सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू इट, यानी मुझे ऐसा उम्मीद है या मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको लुकिंग फॉरवर्ड और लुक फॉरवर्ड का यूज अच्छा से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।